Yes, good morning student. In today class I am going to start lesson number 3, fiber to fabric, question answers. Clear? First question is multiple choice question. First question is which of the following is an animal fiber? इनमें से कौन सा animal fiber है? Which of the following is a animal fiber? First is silk, second one is jute, acrylic nylon. देखिए जूट जो है वो किससे? सिल्क वर्म से मिलता है. जूट भी कहाँ से मिलेगा? वी गेट फ्रॉम सिल्क वर्म. सो सिल्क इज अ एनिमल फाइबर. जूट, जूट इज अ प्लांट फाइबर. हम स्टेम से जूट को कलेक्ट करते हैं. क्लियर? एक्रेलिक एंड नाइलॉन आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सो अवर एग्जाम्पल, सो अवर आंसर इज सिल्क. क्लियर? Which of the following is not a natural fiber? आपके इसमें से कौन सा natural fiber नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका natural fiber? आपका natural fiber नहीं है कौन सा? Cotton, wool, jute, polyester. Cotton हमें plant से obtain होता है. We get from wool, from sheep. We get jute from plant. Clear? Polyester is an example of synthetic fiber. तो अपना answer क्या हो जाएगा? Polyester. Clear? The process of making cotton yarn from the fiber is called. Cotton yarn से fiber बनने का जो process है उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? Spinning. जो cotton से हम चरखे से या टकली से हमने example में read किया था ना, उसको हम क्या बोलते हैं? Spinning. और एक student ने question पूछा था कि spinning में आज के time पे या nowadays हम कौन सी machine को use कर रहे हैं? तो उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा? उसके अंदर क्या है? उन मशीन्स के नेम स्पिनिंग मशीन, वीविंग मशीन, इसी तरीके से उनके नेम आते हैं. प्लस कंपनी का नेम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. क्यों? जैसे अपने वॉशिंग मशीन है वो अलग अलग कंपनी की आती है ना, वैसे ही स्पिनिंग मशीन्स भी अलग अलग कंपनी की आती है. लेकिन उस मशीन को क्या बोला हुआ है? स्पिनिंग मशीन ही बोला हुआ है. क्लियर है? लेकिन ओल्ड मेथड में जब स्पिनिंग मेथड यूज हो रहा था तो टकली एंड चरखे, तो सेम चरखे जैसा ही उसके अंदर प्रोसेस होता है जिससे वो क्या बनाती है? यह फाइबर से यर्न बनाने का काम करती है. ठीक है, नेक्स्ट. जूट इज द नेचुरल फाइबर इज नोन फॉर इट्स फ्लेक्सीबिलिटी. जूट को के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जूट की जिससे हमें क्या मिलेगा? फ्लेक्सिबिलिटी, लस्टर, सॉफ्टनेस. देखिए जूट जो है ना आपके थैले वगैरह बने होते हैं स्पेशली वो, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, लस्टर चमकते भी बिल्कुल नहीं है, सॉफ्ट भी बिल्कुल नहीं होते. ड्यूरेबिलिटी यानी कि उनकी लाइफ जो होती है ज्यादा टाइम तक वो रह सकते हैं, जल्दी फटते नहीं है, तो ड्यूरेबिलिटी इनकी ज्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट. फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट है प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम. प्लांट फाइबर में हमें ऑब्टेन कौन कौन से फाइबर होते हैं? एक तो कॉटन फाइबर है, एक सेकेंड वन इज जूट प्लांट. तो हमें प्लांट के जो फाइबर से कौन कौन से प्लांट से मिलते हैं? कॉटन, कॉटन फाइबर कॉटन प्लांट से मिलता है, और जूट, जूट प्लांट से मिलता है. ओके, एनिमल फाइबर आर, एनिमल फाइबर कौन कौन से हैं? वूल एंड सिल्क. एनिमल फाइबर्स के टू एग्जाम्पल कौन से हैं? वूल भी हमें किससे मिलता है? एनिमल, विच एनिमल? शिप. And silk, silk we get from silkworm. A number of fiber twisted together form a yarn. एक फाइबर है उसको हमने ट्विस्ट कर देंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? वो चेंज होगा हमारा यर्न के अंदर. ठीक है, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम silkworm. Silkworm से हमें क्या ऑब्टेन होता है? सिल्क ऑब्टेन होता है. Silkworm से क्या ऑब्टेन होता है? सिल्क. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. True false. Yarn is made from fiber. यर्न जो होता है किससे बना होता है? फाइबर से. हाँ जी, कॉटन फाइबर है. कॉटन फाइबर को हम ट्विस्ट करते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है? यर्न में चेंज हो जाता है. तो हमारा आंसर क्या होगा? ट्रू. नेक्स्ट वन इज स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर. जो स्पिनिंग है वो कौन से प्रोसेस से फाइबर बनाने का काम करते हैं? स्पिनिंग से हम क्या करते हैं? फाइबर बनाते हैं या यर्न बनाते हैं? हम फाइबर से को ट्विस्ट करके यर्न बनाने का काम करते हैं. वो होता है प्रोसेस क्या? स्पिनिंग. अगर इस फाइबर की जगह यहाँ पर यर्न होता तो हमारा आंसर क्या होता? ट्रू. अब यर्न नहीं है उसकी जगह आंसर क्या क्या राइट है? यहाँ पर, यहाँ पर फाइबर राइट है, तो अवर आंसर इज रॉन्ग या फॉल्स. थर्ड वन इज जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट. जूट जो होती है कोकोनट की आउटर कवरिंग होती है? नो. जूट क्या होता है? जूट का प्लांट होता है, उसके स्टेम से हम जूट फाइबर्स को गेट करते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग.
जो कॉटन का फ्रूट है उसे सीड्स को रिमूव करने वाला जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, गिनिंग बोलते हैं। ट्रू। वीविंग ऑफ यर्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, जो वीविंग है यर्न को वीव करना से हमें फैब्रिक का पीस बन जाता है। यस, हम यर्न लिया था, दो यर्न लिए थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली अरेंज करके हमने उससे क्या बना लिया था, वी मेक अ फैब्रिक। तो इट्स आंसर इज ट्रू। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। सिल्क फाइबर जो है हमें स्टेम से ऑब्टेन होता है। ऑब्वियस आंसर रॉन्ग, क्योंकि सिल्क फाइबर हमें वी गेट फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क इज अ एनिमल फाइबर, नॉट अ प्लांट फाइबर। क्लियर। पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। पॉलिएस्टर जो है एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर का, एक्रेलिक, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, ये एग्जाम्पल है हमारे सिंथेटिक फाइबर के। तो इसी कारण से हमारा आंसर इज रॉन्ग। क्लियर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसमें है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज अ नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को हमें इसमें क्लासिफाई करना है। अब नाइलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर, वूल इज अ नेचुरल फाइबर वी गेट फ्रॉम शीप, बिकॉज यस कॉटन वी गेट फ्रॉम प्लांट, ऑफ कोर्स इट इज अ नेचुरल फाइबर। सिल्क वी गेट फ्रॉम सिल्क वर्म, so it is a natural fiber. Polyester is, it is a made up of chemicals, it so it is a synthetic fiber. Jute we get from plants, so jute is a natural fiber. I think all things are clear. From which parts of the plant cotton and jute are obtained? कॉटन के कौन से पार्ट से और जूट के कौन से पार्ट से हमें हमारे फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं? कॉटन, कॉटन बोल एंड ऑल्सो कॉल्ड अ फ्रूट। कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उसी का अदर नेम क्या है, कॉटन बॉल्स। क्लियर। कॉटन प्लांट, कॉटन फाइबर हमें किससे मिलता है, कॉटन प्लांट के फ्रूट से, और उस फ्रूट को ही हम एक और नाम से जानते हैं, कॉटन बॉल्स। क्लियर। जूट जो है वो हमें किससे मिलेगा, स्टेम से। जूट जो है फाइबर है वो हमें किससे मिल रहा है, स्टेम से। ठीक है। नेक्स्ट, नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से कोई भी जो दो आइटम्स हैं वो हमें कौन कहाँ से मिलते हैं, क्या क्या चीजें बनाते हैं, सॉरी एक तो रॉक्स है और एक क्या है, मैट्स है। एक रॉक है और एक क्या है, मैट्स। रॉक मीन्स रस्सी, मैट मीन्स चटाई। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यर्न फ्रॉम फाइबर। हम यर्न से फाइबर को कैसे मेक करते हैं। यर्न आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड। यर्न क्या होते हैं, बहुत पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। यर्न्स आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर। यर्न्स के जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। ये द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यर्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब ये जो पूरा प्रोसेस है किससे, फाइबर से क्या बनने का, यर्न बनने का, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, स्पिनिंग बोल देते हैं। ठीक है। इन दिस प्रोसेस ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। अब एक कॉटन वूल हमने मास ले लिया और उसको ऐसे उसको क्या किया, ड्रॉन आउट किया या फोल्ड किया, और आफ्टर दैट भी हम क्या करेंगे, उसको ट्विस्ट करेंगे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यर्न में कन्वर्ट होएगा। तो ये प्रोसेस जो होता है स्पिनिंग होगा। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यर्न। अब ये फाइबर सारे एक साथ में एक दूसरे के ऊपर टुगेदर फॉर्म बना लेते हैं और क्या बना देते हैं, यर्न। और ये जो प्रोसेस है उसी को हमने क्या बोला, स्पिनिंग। ठीक है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन, व्हाट इज स्पिनिंग भी आ सकता है। इस चैप्टर में डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्पिनिंग, व्हाट इज गिनिंग, व्हाट इज वीविंग, व्हाट इज निटिंग, ये चारों डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, व्हाट आर फैब्रिक्स, फैब्रिक्स क्या होते हैं। फैब्रिक्स मीन्स अ वूवन मटेरियल, टेक्सटाइल और अदर मटेरियल रिसेम्बलिंग वूवन क्लोथ। फैब्रिक्स क्या होंगे, वो वूवन मटेरियल होगा। हमारे पास तो पहले यर्न था, यर्न को हमने क्या किया, वीविंग प्रोसेस के थ्रू वूवन कर लिया। कहाँ पर, अब टेक्सटाइल जो कपड़े की फैक्ट्रीज होती है उनके लिए टेक्सटाइल वर्ड यूज होता है। ठीक है। और अदर मटेरियल रिसेम्बल जो भी चाहिए उसके लिए हम वूवन क्लोथ जो होता है हमारे पास में, यानी कि पूरा बुना हुआ या विव्ड क्लोथ जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, फैब्रिक बोलते हैं। क्लियर। नेम टू सिंथेटिक फाइबर, नेम टू सिंथेटिक पॉलिएस्टर एंड नाइलॉन। सिंथेटिक फाइबर के जो एग्जांपल है हमारे पास में क्या हो गया, एक तो पॉलिएस्टर हो गया और एक सेकेंड वन इज नाइलॉन, और थर्ड और पूछे तो क्या होगा, एक्रेलिक। थर्ड कौन सा हो सकता है, एक्रेलिक। यस,
What is ginning? Ginning is a process of separating cotton fiber from the seed. कॉटन फाइबर को सीड किट से सेपरेट करना कॉटन फ्रूट है कॉटन फ्रूट या कॉटन बोल बोल लीजिए कॉटन बोल के अंदर क्या होता है कॉटन फाइबर भी इंक्लूड होता है और क्या होता है कॉटन उसमें सीड्स भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन हम कॉम्बिंग मेथड के थ्रू सीड्स को क्या कर लें कॉटन फाइबर से क्या कर दें सेपरेट कर दें ये जो सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो क्या होगा आपके गिनिंग क्लियर व्हाट इज स्पिनिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यर्न्स फ्रॉम फाइबर स्पिनिंग क्या होगा यर्न बनाना किससे फाइबर से ट्विस्टिंग करके फोल्ड करके उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्पिनिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यर्न यर्न को बनाने का जो प्रोसेस है फ्रॉम फाइबर फाइबर से उसी को हम क्या बोलते हैं व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ स्पिनिंग नेम टू हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग जो हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस हैं हमारी स्पिनिंग के अंदर कौन कौन सी थी एक तो चकली एंड चरखा क्लियर चकली उसमें भी हम क्या करते हैं चीजों को क्या करते हैं क्या चकली से क्या होगा ट्विस्ट करने में वो क्या करती है हेल्प करती है नेक्स्ट चरखा जो है वो भी क्या करता है उसको यर्न में चेंज करने का फाइबर को यर्न में चेंज करने का ये दोनों काम करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लूम्स लूम्स क्या होते हैं है ना द डिवाइसेस ऑन व्हिच वीविंग ऑफ फैब्रिक टेक प्लेस आर कॉल्ड लूम्स ऐसी डिवाइस जो क्या करे फैब्रिक्स की क्या करे वीविंग कर दे है ना तो उसको हम क्या बोलेंगे लूम्स लूम्स आपने देखा था वो एक लेडी बैठी थी पूरा डायग्राम अपन ने देखा था पिक्चर में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उनको वर्टिकली अदर यर्न को कर रही थी तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर क्लियर क्या हो रहा है लूम्स वो चीज है जो क्या करता है फैब्रिक बनाने का काम करता है वो डिवाइस है ठीक है जो वीविंग प्रोसेस के थ्रू क्या क्या मेक करते हैं फैब्रिक्स मेक करते हैं ऐसी मशीन्स को ऐसी डिवाइस को हम व्हाट वी कॉल लूम्स The looms are either hand operated, जो ये looms होते हैं ये जो डिवाइस है weaving की ये hand operated भी होती है और power operated भी होती है clear? Next, explain how jute is obtained from the jute plant. हम jute plant से jute को कैसे obtain कर सकते हैं ठीक है क्या कह रहे How we get jute from jute plant? Okay. Answer is the jute plant is normally harvested at flowering stage. जो jute plant होता है उसको normally हम harvest यानी cut करते हैं कब जब उस plant की flowering stage होती है flowering stage के time पे हम उस jute plant को क्या करते हैं harvest harvest का meaning क्या था cutting cut करते हैं उसको ठीक है द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट अब कटिंग कर ली हमने प्लांट की अब कट होने के बाद में जो स्टेम है उस प्लांट का उसके क्या कर लेते हैं बंडल्स बनाते हैं पहले से ठीक है फर्स्ट वी मेक अ बंडल्स एंड इमर्स्ड इन वाटर इमर्स्ड मींस क्या होता है उसको डिप कर दिया है किसके अंदर वाटर के अंदर क्लियर फॉर 10 टू 15 डेज कितने डेज के लिए 10 टू 15 डेज के लिए क्लियर है The stems, rot and fibers are separated by hand. अब 10 to 15 days stem जब dip रहते हैं किसके अंदर water के अंदर तो धीरे धीरे वो stem क्या होना start कर देते हैं rot होना start कर देते हैं यानी सड़ना शुरू हो जाते हैं clear है And fibers are separated by hand. अब वो जो stem है बिल्कुल rot हुए हुए उससे क्या करते हैं हम उससे हम क्या करते हैं उसको बाहर से धीरे धीरे उसके जो ऊपर फाइबर्स होते हैं उनको क्या करते हैं सेपरेट करने करते हैं बाय हैंड दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू यर्न फिर बाद में इन फाइबर्स को स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू ट्विस्ट करके इसमें चेंज कर दिया जाता है यर्न में और बाद में टू मेक अ फैब्रिक और उसके क्या बनाए जाते हैं फैब्रिक्स बनाए जाते हैं ठीक है रिपीट कर लेते हैं हमने क्या किया जूट प्लांट को हार्वेस्ट कर लिया कौन सी स्टेज में फ्लावरिंग स्टेज में आफ्टर फ्लावरिंग स्टेज के बाद में जैसे ही हमने उसको क्या किया हार्वेस्ट किया फिर अब आफ्टर दैट वी हमने क्या किया वी मेक अ बंडल्स हमने उस स्टेम के क्या किए बंडल्स को क्या कर लिया बना लिया आफ्टर दैट इमर्स्ड इन वाटर उन बंडल्स को हमने क्या कर दिया वाटर के अंदर क्या किया
इमर्ज कर दिया यानी डिप कर दिया कितने दिनों के लिए, हाउ मेनी डेज, 10 to 15 days. द स्टेम रॉट, उसके बाद में क्या हो जाता है, स्टेम क्या हो जाता है, रॉट यानी सड़ता है. एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, और जो ये फाइबर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं किसके थ्रू, हैंड्स के थ्रू हम सेपरेट करते हैं. दीज फाइबर आर कन्वर्टेड, अब इन फाइबर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, कन्वर्टेड इंटू यर्न टू मेक अ फैब्रिक्स, उसको कन्वर्ट करते हैं यर्न में और फिर उससे क्या बनाते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं. नेक्स्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 8, Describe the process of the formation of yarn from cotton wool. हम cotton wool से कैसे yarn बनाने का जो भी process है उसको explain करना है आपको यहाँ पे ना. So the cotton wool is obtained from the cotton plant. Cotton wool जो है हमें किससे मिलती है, we get from cotton plants. The fruit of the cotton plant are called cotton balls. जो fruit है cotton plant का उसी को हम क्या बोलते हैं, cotton balls बोलते हैं. ठीक है, we also call the fruit of cotton plant and also called the cotton balls. Clear? After maturing, mature होने के बाद में the ball burst, जो cotton ball है, हमने जब read किया था हमने देखा था cotton plant के अंदर जो ये cotton ball होती है वो पहले lemon size की होती है, पूरी covered होती है. ठीक है, और जब वो mature हो जाती है तो mature जो होने के कारण वो क्या होती है, burst, और अंदर का जो cotton fiber है वो बाहर की तरफ दिखना स्टार्ट हो जाता है. बॉल ब्रस्ट ओपन एंड सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स, और सीड के कवर्ड होते हैं किसके, कॉटन फाइबर्स है जैसा कि हम देखते हैं, कैन बी सीन फ्रॉम द कॉटन बॉल्स. फ्रॉम द कॉटन बॉल्स कॉटन इज पिक बाय हैंड. अब कॉटन बॉल्स को क्या करेंगे, हम अपने बाय हैंड उनको पिक करेंगे, प्लांट से मतलब सेपरेट करेंगे, जैसे हम कोई फ्लावर को तोड़ते हैं ना वैसे ही इंपॉर्टेंट बॉल्स को हाथ से तोड़ा हो जाता है. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड, बाद में इन फाइबर्स को सीड से सेपरेट किया जाता है बाय कॉम्बिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिलिंग ऑफ द कॉटन. इट इज डन बाय हैंड और मशीन, हाथ से भी की जाती है और मशीन से भी की जाती है. नेक्स्ट, जैसे ही हमारे पास है कॉम्बिंग के बाद में सीड सेपरेट हो गए, अब हमारे पास प्योर फाइबर कलेक्ट हो गया है. अब इस फाइबर को हम स्पिनिंग मेथड के थ्रू फोल्ड करके ट्विस्ट करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, यर्न के अंदर. बहुत इजी आंसर्स है, आप बस आपको प्रोसेस समझ में आ गया ना आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत इजी से आपको क्या हो जाएगा, लर्न भी हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वीविंग. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यर्न टूगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. अब वीविंग में क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे टू सेट्स को. हमने दो प्रोसेस पढ़े थे, वीविंग एंड नेटिंग. हमने पहले समझा था कि वीविंग में हम हमेशा यर्न के कितने सेट लेंगे, टू सेट लेंगे, और नेटिंग में हमेशा कितने सेट लेते हैं, वन सेट लेते हैं. क्लियर, तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, सबसे पहले हमने क्या किया, टू सेट ले लिए किसके, यर्न के साथ में. टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड अ वीविंग, और उससे जो फैब्रिक बनाते हैं इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं. अब ये जो वीविंग, उसको यर्न से हमने फैब्रिक बनाया, इस प्रोसेस को थ्रू वीविंग बोला. अब कौन सी डिवाइस यूज करनी पड़ेगी, द प्रोसेस ऑफ वीविंग कैन बी डन ऑन लूम्स. उस डिवाइस को व्हाट वी कॉल, लूम्स, लूम्स, लूम्स. द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड एंड पावर ऑपरेटेड. जो ये लूम्स है, जो ये वीविंग की जो डिवाइस है वो हैंड ऑपरेटेड भी होती है और पावर ऑपरेटेड भी होती है. क्लियर, और ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए हैं. ठीक है, हमने सबसे पहले एमसीक्यूज अंडरस्टैंड कर लिए, फिलअप्स अंडरस्टैंड कर लिए, ट्रू फॉल्स, आफ्टर दैट ऑल क्वेश्चन आंसर. आई थिंक ऑल क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे ना, आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट.